Hello, my foodie lovers. Happy Diwali to all of you. Today I am going to make Diwali Meetha, a traditional recipe of super soft rasmalai. Yes, it's very delicious and easy to make. So let's start with ingredients. यहाँ मैंने लिया है 1 लीटर टोन मिल्क, जिसका फैट कंटेंट है 3 ग्राम. मैं यहाँ पे टोन मिल्क का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अपनी रसमलाई बनाने के लिए लो फैट मिल्क चाहिए, जिससे हमारी रसमलाई अधिक फैट होने की वजह से टूटेगी नहीं. सबसे पहला स्टेप है हमारा दूध को गर्म करना और उससे छेना बनाना. तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक कढ़ाई ली है और उसमें अपने दोनों पैकेट यानी कि 1 लीटर मिल्क को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है और लगातार इसको चलाते रहना है. मिल्क हमारा खौलने लगा है, उबाल आ चुकी है. अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और विनेगर और पानी का, यानी 2 चम्मच हम विनेगर लेंगे और 2 चम्मच हम सेम क्वांटिटी में पानी लेंगे. दोनों को मिक्स करके हमें दूध को फाड़ना है, जो हमारा छेना तैयार होगा. ये मैंने विनेगर लिया है 2 चम्मच और अब इसमें मैंने ऐड किया 2 चम्मच पानी और गैस को हम बंद करके इसको छेने के फॉर्म में लाएंगे. अब हम धीरे धीरे करके अपने विनेगर और पानी के मिक्सचर को डालेंगे और चलाते रहेंगे. गैस को हमें ऑफ रखना है और इसको चलाते रहना है. धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारा दूध और छेना अलग होने लगा है, पानी अलग हो जाएगा और छेना अलग. और अब हम थोड़ा सा गैस को ऑन करेंगे और हल्का सा इसको बॉईल देंगे. ये देखिए हमारा छेना बिल्कुल अलग हो गया है. अब हम इसमें बर्फ का पानी यानी ठंडा पानी डालेंगे और इसको कूल करेंगे. अब हम इसको एक कॉटन के कपड़े से और स्ट्रेनर की मदद से इस छेने को हम छानेंगे. पानी को हमें अलग करना है और ध्यान रखिएगा कि कपड़ा कॉटन का हमें वही इस्तेमाल करना है जिससे हमारा छेना और पानी आसानी से अलग हो जाए और छेने में बिल्कुल भी पानी ना रह जाए. और इसको एक बार हम फिर से वॉश करेंगे ठंडे पानी से, जिससे हमारा विनेगर का जो फ्लेवर है वो निकल जाए और हमारा छेना बिल्कुल साफ हो जाए. एक बार हम फिर से इसको वॉश करेंगे ठंडे पानी से और अब हम इसको अच्छे से निचोड़कर कुछ देर के लिए रख देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए. अब आता है स्टेप 2. तो इसके लिए हमें 1 पैकेट टोन मिल्क चाहिए, यानी 0.5 लीटर मिल्क, जिसका फैट कंटेंट भी 3 ग्राम होगा. इससे हम अपनी रबड़ी तैयार करेंगे. तो सबसे पहले एक पैन में हमें मिल्क को खाली करना है और उसको पकाना है. अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर. केसर हमारी रबड़ी को एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा और खुशबू देगा. और अब हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर. यहाँ मैंने 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाला है. और अब हम दूध को बॉईल करेंगे. दूध को हमें बॉईल करना है, बहुत पकाना नहीं है इसको. हमको एक पतली रबड़ी तैयार करना है. अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ पिस्ता, बारीक कटा हुआ बादाम और अच्छे से सब सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे. मैंने यहाँ पे लिया है येलो फूड कलर. ये हमारी रसमलाई को बिल्कुल हलवाई जैसा टेक्सचर देगा. और अब हम इसमें डालेंगे चीनी. मैंने 1/4 कप चीनी लिया है, 1/4 कप मैंने चीनी का यहाँ इस्तेमाल किया है. अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 6 मिनट तक दूध को पकाएंगे. चीनी डालने के बाद हमारा दूध थोड़ा सा पतला हो जाता है, इसलिए हम इसको 5 से 7 मिनट ज़रूर पकाएंगे. गैस को ऑफ करेंगे. हमारी रबड़ी तैयार है. रबड़ी का फॉर्म आप इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत गाढ़ी रबड़ी हमें नहीं बनानी है. रबड़ी को थोड़ा सा ठंडा करके हम इसमें ऐड करेंगे गुलाब जल. मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून गुलाब जल ऐड किया, लेकिन इसको रबड़ी को थोड़ा ठंडा करने के बाद हम गुलाब जल को ऐड करेंगे ताकि उसकी खुशबू उसमें बरकरार रहे. अब आता है स्टेप 3. यहाँ पे हम चाशनी बनाएंगे. मैंने लिया है 2 कप चीनी और अब हम इसमें करीब 5 से 7 कप पानी डालेंगे. यहाँ मैंने डाला है लगभग 5 कप पानी और हमें एक बहुत पतली चाशनी बनानी है.
एक तरफ हमने चाशनी पकने को रख दिया है, अब हम अपने छेने की तैयारी करेंगे। छेने से पानी बिल्कुल निकल चुका है, आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि छेने में बिल्कुल भी पानी ना रहे। और अब हमें इसे अच्छे से मैश करना है। मैंने एक स्टील की प्लेट पे इसको निकाल लिया है और अब हम इसको अच्छे से मैश करेंगे। मैशिंग हमारी 10 से 15 मिनट तक होनी चाहिए, तब तक जब तक ये बटर जैसा ना हो जाए, यानी कि इसमें से तेल ना छोड़ने लगे। हमारा छेना काफ़ी अच्छे से मैश हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड किया, अब हम इसको अच्छे से एक बार और मैश करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसकी बॉल बनाएंगे। ये छेना बॉल्स बनाने के बाद हम इसको रसमलाई का शेप देने वाले हैं। तो सबसे पहले बॉल को हमें थोड़ा सा चिकना करना है ताकि हमारी रसमलाई बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। अब ये देखिए, मैंने अपनी हथेली की मदद से रसमलाई का शेप दिया इसको। हमें छोटी छोटी बॉल्स बनाना है और इसको बीच से फ्लैट करना है। ये छोटी छोटी बॉल्स हमारी जब चाशनी में जाएंगी तो ये बहुत प्लफी हो जाएंगी, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। तो हमारी रसमलाई तैयार है चाशनी में जाने के लिए। अब हम अपनी रसमलाई को धीरे धीरे चाशनी में डालेंगे और इसको पकाएंगे। पकाते वक्त भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारी रसमलाई को बीच बीच में हमें इसे पलटते रहना है। हमें अपनी छेना बॉल्स को यानी रसमलाई को उलटते पलटते रहना है। इसे लगभग हमें 10 से 12 मिनट तक पकाना है और ढक के पकाना है ताकि इसमें अच्छे से शुगर सिरप अंदर से बाहर तक निकल सके और इसमें एक सॉफ्टनेस और एक स्पॉन्जी टेक्सचर आ सके। ये देखिए, हमारी रसमलाई का शेप काफ़ी बड़ा हो गया है। अब हमें गैस को ऑफ कर देना है और इसे 10 मिनट का रेस्ट देना है। अब हमें अपने छेना बॉल को एक शॉक ट्रीटमेंट देना है, यानी कि गर्म से ठंडे में इसको ट्रांसफर करना है। तो मैंने एक बोल में आइस क्यूब्स लिया है और उसमें मैंने सारी चाशनी और छेना बॉल्स को ट्रांसफर कर दिया है और अच्छे से हल्के हाथ से हिलाएंगे और कुछ देर इसमें छोड़ देंगे, लगभग 5 मिनट। 5 मिनट भीगने के बाद अब हम अपने छेना बॉल्स यानी रसमलाई को हथेली की मदद से इसका सारा पानी निकाल देंगे और इसको एक बोल में रखेंगे। अब हम इसके ऊपर अपनी रबड़ी को डालेंगे जिसमें हमको अपनी रसमलाई को डिप करना है, यानी कि डुबो कर रखना है करीब 4 से 5 घंटे। जितनी ज़्यादा देर हम इसको रबड़ी में डुबा कर रखेंगे उतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनेंगी। अब आता है टाइम गार्निशिंग का। तो मैंने एक प्लेट पे रबड़ी को ट्रांसफर कर लिया है और उसके ऊपर कुछ सिल्वर शीट यानी चांदी के वर्क से हमने इसकी ड्रेसिंग की है और अब हम इस पे थोड़ा सा पिस्ता भी डालेंगे, यानी कि पिस्ते से भी हम ड्रेसिंग करेंगे। हमारी रसमलाई अब सर्व के लिए बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों, इस दिवाली पे इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल द फूडी सोल बाई साइमा। इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, click on the bell icon to be notified when new video recipes are released. Happy Diwali once again. Keep watching. Thank you.